Hey everyone, welcome back to my world, my vlog. अभी हम सब जाएंगे CP club या lounge ऐसे जगह जाने के लिए कपड़े तक नहीं जाएं. एक तो हमने खा भी लिया है. प्रेजेंटेशन देख रहे हो? प्रैक्टिस नमस्ते करने का. सब इसको बहुत प्यार से हेलो बेबी कर रहे, सबको हाई करती है. मैंने कहा अच्छे सबको ना हेलो करना, तो अभी ये प्रैक्टिस कर रही है ऐसे करके नमस्ते करने की. वाटर एरिया, वाटरफॉल एरिया और लास्ट में आपको मिलेगा एक सरप्राइज एलिमेंट. सरप्राइज एलिमेंट ये है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं. कमोंस एलो जी, लड़की हमारी आ गई डांस फ्लोर पे. वी मेट, वी हग्ड ईच अदर, हम रोए, हम फंसे, बहुत सारी बातें करी. बच्चों सब वीडियो बना दी मैं की. कार वॉश का बोल के आए हैं, चेकअप का टाइम है तो फटाफट पूरा कमरा समझते हैं एंड देन चेकआउट करते हैं. मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, माय ब्लॉग. दिस इज योर जसेठी और जहाँ पे लास्ट ब्लॉग एंड किया था वहीं पे आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ. ये रही मैं, कर रहे हैं साहिल वहाँ है. अनवी मजा आया? आया कार वॉश हो रही है अभी. साहिल से डट रही है. ओ भाई साहब, अरे ये पैसा चुरा लेंगे फुल लड़के. रहने दे गंदी बात. जब तक सारी फॉर्मेलिटीज हो रही है वहाँ पे, तब तक हम आ गए हैं एक बार फिर से डक्स को देखने के लिए. सुंदर है यार ये. इतने सुंदर लग रहे हैं, वाओ. हाय. और आज अपने साथ साथ रिचा और अनवी को भी लेके आई हूँ. गाड़ी वॉश होके आ गई है. चलो बग्गी में नहीं बैठना पागल. हाँ मैं ले ली, ले ली. अब एक जगह बैठेगा ना पीछे, पकड़ लेंगे. हेलो रिचा को नियर बाय मेट्रो स्टेशन पे हम छोड़ देंगे एंड देन वील लीव फॉर मोहाली. Thank you.
स्टार ढाबा जाम लिया अपना पहला हॉल्ट। अनमू को नींद आ रही है और खाने का वेट कर रहे हैं। हमारी थाली हम दोनों इसी से खा रहे थे, मैं इसको निकाल दे दूंगी, इसमें इसको निकाल के दे, तू मेरे कुर्सी यहाँ ले आ, फिर तो कौन खिलाएगा, मैं खिलाऊंगा। आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, नहीं अच्छा खा। और हमारा फर्स्ट ब्रेक हो गया कंप्लीट अच्छे से, ब्रेकफास्ट सुबह हमारा हो चुका था और अभी हमने लिया है अपना सेकंड मील। और बातों बातों में हम पहुंच गए अंबाला, बट यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग जाते हैं। एंड माय नीस इज़ स्लीपिंग, खाना वाना खा के वो बिल्कुल सोने वाली हालत में हो गई थी, तो मैंने उसको बैक सीट पर अच्छे से सुला दिया है। और आप ये ब्यूटीफुल सा सनसेट देखो, सन कितना खूबसूरत लग रहा है। लेट मी जूम इन बिकॉज मैं बैक सीट में बैठी हूँ अपनी नीस के साथ, तो यहाँ से बिल्कुल जूम करके मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कैप्चर करने की। चलो जी, फाइनली वी आर होम स्वीट होम एंड देर इज़ नो बेटर प्लेस देन होम। ये तो बात सच है, आप कहीं भी चले जाओ 5 स्टार 7 स्टार जितने भी स्टार्स पर रुक लो, लेकिन घर से ज़्यादा सुकून ना कहीं नहीं मिलता है। और मेरे पास अभी अनवी है, अनवी सो रखी है, तो मैं उसको लेके जा रही हूँ अंदर, और सारा लगेज वगैरह सब कुछ साहिल लेके आएगा, बिकॉज आज तो हालत ऐसी टाइट है ना कि बस जाके सिर्फ सो जाऊँगी। और शुक्र है अनवू अभी सो रही है, तो ये सो रही है तो मैं भी सो जाऊँगी इसके साथ साथ, बेस्ट पार्ट। और आज रात में नहीं, कल है मम्मी का बर्थडे, और आज रात में अगर 12 बजे तक मैं जागती रह गई ना, तो मैं मम्मी को ज़रूर विश करूँगी, होप सो मैं जागती रहूँ, बिकॉज ये 3-4 दिन ना बहुत हेक्टिक हो गया, तो वहाँ की सारी थकान यहाँ निकलेगी, दैट इज़ लाइक फॉर श्योर। दिल्ली से हम लोग आ गए हैं आज, और अभी काफ़ी लेट हो गया, तो इसलिए आज कुछ कर नहीं पाए, बट कल मम्मी के लेके आएंगे केक। और अभी मम्मी का बर्थडे है, तो हम लोग अभी मम्मी को सिर्फ विश कर रहे हैं, मदर्स डे और मम्मी का बर्थडे दोनों हैं, तो अभी नॉर्मल विश करेंगे, नॉर्मल विश करेंगे और कल लेके आएंगे केक वेक। सबसे पहले तूने बड़ी तेज़ से मेरी विश कर दी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलो भाई सबको हैप्पी बर्थडे मम्मी, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत ठीक है यार। मम्मी को विश करिए, बर्थडे है मम्मी का। हेलो, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी सवर गई, लुक क्या दे रहे हैं, इतना समर गए कि हम चाहते हैं कि ऐसा बीवी किसी को ना मिले, किसी को छोड़ो यार, छोड़ो यार, कल लेके आएंगे केक वेक मम्मी के लिए, है अनबू, कल रेडी रेडी होके, कल रेडी रेडी होके केक को काटेंगे हम लोग। आप चलो सोए। नेक्स्ट डे फाइनली बेड से उठ गई, लिटरली आज पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस खाया है, आराम किया है और सो गई हूँ, और हाँ बेड ठीक किया, दैट्स इट। अभी मुझे बैग अनपैक करना है, हिम्मत ही नहीं हो रही है लिटरली, क्या बताऊँ, गाने की आवाज़ आ रही होगी, गाने की आवाज़ आ रही होगी। तो आज है मम्मी का बर्थडे, और कल रात में बस मम्मी को विश किया था, बिकॉज मेरे घर पे मोस्टली, मेरे घर पे आज तक कभी भी ऐसे रात में 12 बजे केक नहीं कटा है, नेक्स्ट डे जिसमें बर्थडे है, और मम्मी आज के दिन 10 बजे रात में पैदा हुई थी, तो मम्मी कहती मैं उसी टाइम पे केक काटूंगी, मैंने कहा ठीक है भैया, बर्थडे गर्ल जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, तो इसलिए अभी केक तो आ रहा है, और साहिल गया बाहर कुछ
खाने पीने का, अपने शौक का कुछ लेके आने के लिए कि नहीं भाई मेरे को आज बाहर जाके लेके आना है। मैंने कहा ठीक है जाओ। तो आज हम करने वाले हैं चीट, और अभी दो तीन दिनों से चीट ही हो रहा है। तो ठीक है, आज का हमने अपने आपको चांस दिया कि बस आज दैट्स इट, जो खाना है खा लो, चीट कर लो, जितना भी बाहर का जंक स्नैक जो भी खाना है खा लो, कल से बैक टू बेसिक डाइट वर्कआउट सब शुरू करना है एंड वॉक। डाइट एंड वर्कआउट का फर्क तो दिख रहा है बिकॉज हमने थोड़ा बहुत खाया पिया लेकिन फिर भी ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा है। आई एम लाइक 1 kg अप, दैट्स इट। तो अभी मम्मी के लिए आ रहा है केक। केक बड़ा प्यारा सा ऑर्डर किया है, उसमें लिखा है वर्ल्ड बेस्ट मॉम। मैं फटाफट रेडी किया, मैं अपने नाइट ड्रेस में ही हूँ और बस बाल थोड़ा ठीक कर लूँ और फिर जाऊँ नीचे। मम्मी को एक प्यारा सा सूट पहनाया मैंने जो कि मैंने अगेन मिंत्रा से मंगाया था और मम्मी को बिल्कुल फिट आ गया। मतलब आई वॉज लाइक कि ना जैसे एकदम मुझे सही करेक्ट साइज वाइज पता है वैसे मंगाया मैंने। मैंने तो बस आउट ऑफ द ब्लू वन मंगा लिया था, मुझे सूट बहुत पसंद आया था। तो मम्मी अभी रेडी हो रही है और थोड़ी बहुत मैं भी रेडी हो जाती हूँ और फिर मम्मी का होगा केक कटिंग। और ये आ गया हमारा केक। देखियो पूरा घसका दिया है। ओ, ये तो पूरा ही हो गया। पूरी प्लेट नीचे आ गई। नहीं नहीं, पूरा हिला डुला के लाया है क्या? हाँ वो तो कर ही देंगे मम्मी, लेकिन पूरा हिला दिया यार ये। नीचे वाला बेसन भी एकदम अलग से हो गया। बताइए उसको मैं कुछ भी करूँ मुझे टूट जाएगा। इसकी अच्छा है ना, हमने इसका वीडियो बनाया। हाँ बिल्कुल। हाँ अभी कंप्लेन करते, दूसरा भिजवा देगा फिर। रिप्लेस करा दो हमारा केक। ऑर्डर कैसे नाच नाच के लेके आया है, पूरा केक इधर से उधर हो गया है। अभी देखते हैं क्या ऑप्शन है। रिप्लेस है वही तो। नहीं मेरे को तो रिप्लेस चाहिए ना। अभी तो इसने मार्क नहीं करा है, अभी इसने ऑर्डर मार्क नहीं करा है। अभी देखो घरेलू जुगाड़ करती हुई करछी से केक्स बना दिया इसने। मैं इसको वैसे हार्ट शेप बना दूंगी। कोई भी शेप दे दो ना। रिप्लेस नहीं किया तो नहीं कर देंगे ज़्यादा। कर ही लिया है। हाँ वीडियो बनाया, पिक्चर सब कुछ है। आंटी जी देखो क्या कर दिया इन लोगों ने आपके केक का। मम्मी के को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्या टेंशन ले रही है तू? बेचारे का जॉब चला जाएगा अगर तू ज्यादा करेगी तो। सही है, हम वही सोच रहे हैं। कुछ नहीं होता मम्मी, जॉब नहीं जाता एक एक जॉब नहीं जाएगा, उसका पैसा हो सके कट। नहीं 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 कटेगा क्योंकि उसकी भी गलती थोड़ी ना होगी, कुछ हो गया होगा रास्ते में। हिला डुला के लाया बिल्कुल, गाने वाने सुन लो। छोड़ो हो गया उतना नहीं छोड़ो, हो गया परफेक्ट बनाएगी अब रिचा। ज्यादा नहीं, रिचा का न्यू बिजनेस रिचा बेकरी से ये केक चमचे के साथ बनता हुआ। ओ माय गॉड, आप इसकी रेसिपी बताना पसंद करेंगे रिचा सेठी? गूगल कर किसके हुए केक को कैसे सीधा करें। हाँ, वो मैं बता सकती हूँ, कड़ची लो बिल्कुल पॉइंटेड, एनी वन टेन जो बचा हुआ उसको खा जाओ। अच्छा है आंटी, आज हमारी आंटी बहुत प्यारे लग रहे हैं बर्थडे पे। क्यूटी क्यूटी आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुमको दे मैसेज नहीं उठू पर सुल्तान हैप्पी बर्थडे। हाँ यहाँ सामने आ रही है, बंद कर दो ना जरा रास्ता। बंद क्या करूँ, नहीं जलेगा दो मिनट कमरा गर्म हो जाएगा। ऊपर कर देगा, नहीं नहीं ऊपर कर देगा। हाँ दो मिनट।
मैं वो नहीं बनूंगा मुंडी देखे हाँ है ये भी आ रहे सुल्तान ने भी विश कर दिया मामा को दो मामा खिला मामा को अब लाओ चाकू मेरे को दे दो जूठा हो गया अब फ्रेश लाते अरे भाई दिमाग पता नहीं कहाँ से लेके आई यार अब ला रहे प्लेट तो मम्मी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया बिकॉज हमने बहुत सारा मस्ती मजाक डांस वांस किया इट वाज लाइक फन मोमेंट विद मम्मी पापा पापा के साथ बहुत मज़ा आता है पापा डांस बहुत अच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं ये क्वालिटी हम सब बच्चों में आया तो पापा से ही आया आई गेस क्योंकि पापा इज़ वेरी गुड डांसर और जब वो होते हैं ना तो बिल्कुल माहौल लाइट अप कर देते हैं और मैं इसलिए कह रही हूँ जब वो होते हैं तो क्योंकि आज पापा को जाना है तो पापा जा रहे हैं वापस बिहार एंड देन वापस आएंगे मेरे बर्थडे के टाइम पर बिकॉज वी आर प्लानिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मैं तभी बताऊँगी आपको जब वो सब कुछ होगा कहते हैं ना कि कुछ भी अगर आप अच्छा करने की सोच रहे हो ना तो पहले मत बताओ अगर पहले बताते हो तो इविल आए इज रियल तो इसलिए हम सारा काम जब तक करते नहीं है ना कम्प्लीट तब तक हम बताते नहीं हैं तो बस पापा वापस आएंगे मेरे बर्थडे के टाइम पे एंड देन वी आर प्लानिंग समथिंग और वो जब होगा तब होगा और तब तक आप सबके लिए मे मामा महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइज बाय बाय